Hello friends, my name is Dr. Anjalika Tyal and I am a homeopathic doctor. Welcome to all of you in my YouTube channel, Dr. Anjali's Homeopathy. आज मेरा डिस्कशन का टॉपिक है ओबेसिटी, जैसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में मोटापा भी कह देते हैं. मोटापा एक बहुत तेजी से बढ़ रही समस्या है जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं. तो इसका मेन कारण तो यही है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों. फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती जा रही हैं और हमारी सिडेंट्री हैबिट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है. वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर में और बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनको प्रयोग करके आप अपना वेट लॉस बहुत सेफली और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स आप अपना वेट कम कर सकते हो. तो इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपका वेट लॉस कराने में आपकी हेल्प कर सकती हैं? उसमें टॉप मोस्ट कल्केरिया कार्ब आ जाती है. कल्केरिया कार्ब उन पेशेंट्स को हम देते हैं जिनमें पेशेंट फेयर, फैटी एंड फ्लैबी, यानी कि मोटा होता है, फेयर होता है और साथ में थुलथला होता है. इसमें ज़्यादातर उसका जो पेट होता है उसके ऊपर फैट का डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है. और इसके अलावा कैलोट्रोपिक्स मेडिसिन है जिसको भी आपने 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना है, और कल्केरिया कार्ब को भी 200 पोटेंसी में ला के इसकी 2-3 बूंदें आपको सुबह शाम दिन में 2 बार लेनी है. इसके अलावा 2 मदर टिंक्चर्स हैं, एक है फ्यूकस वेसिकुलर और एक फाइटोला का बैरी. क्यों? इन दोनों को इक्वल क्वान्टिटीज में मिक्स करके और इसकी 20-20 ड्रॉप्स 1/4 कप वाटर में आपको लेनी है. इसको भी आप दिन में 3 बार ले सकते हो. ये तो मेडिसिन है जो कि वेट लॉस कराने में बहुत हेल्पफुल हैं. इसके अलावा और भी होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो कि हम सिम्टोमेटिक वे में दे सकते हैं और जो वेट लॉस कराने में हमारी हेल्प कर सकती हैं. इसमें ग्रेफाइट्स है. ग्रेफाइट्स उन लेडीज़ के लिए बहुत उपयोगी मेडिसिन है जिनमें डिलेड मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री मिलती है. पल्साटिल्ला मेडिसिन उन लेडीज़ के लिए होती है जो बहुत स्वीट नेचर की होती हैं और इनमें जो वेट गेन होता है वो एट प्यूबर्टी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिनमें वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको हम ये पल्साटिल्ला मेडिसिन देते हैं. इनमें स्कैंटी मेंसेस की हिस्ट्री मिलती है. इसके अलावा फेरोमेट मेडिसिन है जिसमें हमें खून की कमी भी मिलती है साथ में और साथ में मोटापा मिलता है. इसके अलावा अमोनियम म्यूर मेडिसिन है जिसमें पेशेंट की लेग्स बहुत पतली होती हैं लेकिन जो उसका फैट डेपोजिशन है वो ज़्यादातर बटक्स पे होता है. अगर इन मेडिसिन में से आपको किसी के भी सिम्टम्स मिलते हैं तो आप इनको भी साथ में 30-30 पोटेंसी में दिन में 3 बार आप इनको ले सकते हैं, 2-3 ड्रॉप्स. इन मेडिसिन को प्रयोग कीजिए और साथ में आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए जिसमें कि वॉक आपको 30 मिनट सुबह शाम ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए. 8 से 10 ग्लास पानी आपको डेली पीना चाहिए. कुकिंग के लिए आपको मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए. इसके अलावा एक तुलसी ग्रीन टी के प्रयोग करने से देखा गया है कि वेट लॉस काफ़ी होता है. तो इन अगर बातों को आप ध्यान में रखते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होने लग गया है और ये मेंटेन भी रहता है. सो, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन सी डिजीज़ पे वीडियो चाहिए ताकि मैं उन वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस डे.